हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे रोड ट्रिप फ्रॉम यूएस टू कनाडा टू मीट माय सिस्टर। और जब भी एक बच्चों के साथ, स्पेशली बेबी के साथ ट्रैवल करना होता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं ट्रैवल डे आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में उठते ही ना, सबसे पहले मैंने पोहा बना दिया था, दाल उबलने रख दी थी और राइस बना दिए थे। हम लोगों को थोड़ा इवनिंग के करीबन निकलना था, तो पूरे दिन में खाने का काम कम हो जाए, इसलिए ये थोड़ी इजी इजी चीज़ें मैंने बना के रख ली थी। और मॉर्निंग की अपनी तसल्ली से चाय पी ली थी। उसके बाद बहुत बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी थी और सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ जो फूड आइटम्स मैंने कैरी किए थे, कुछ जो बेबी के एसेंशियल्स कैरी किए थे, सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। मैं नर्सिंग कर रही हूँ, तो जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो मुझे इस बात का ख्याल रखना था कि मेरे मिल्क सप्लाई पर इफ़ेक्ट ना हो। उसके लिए मैंने स्पेशली कुछ चीज़ें बनाई थी। ये जो मैं पहली रेसिपी आपको दिखा रही हूँ, ये थी गुड़ के मखाने। मखाने, गुड़, दोनों ही चीज़ें मिल्क सप्लाई में हेल्पफुल रहती हैं, तो मैंने ये बना लिया था। ये रेसिपी ना मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई होगी, पर बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स नए हैं मेरे साथ, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ फिर से ये शेयर करती हूँ। अच्छा, हर चीज़ ना बहुत ही मल्टी टास्किंग से मैं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था और जितने बेबी सो रहा था उतने ही ज़्यादातर मुझे चीज़ें निपटानी थी। एक तरफ पर मैंने गुड़ चढ़ा दिया है, सिम आँच रखी है और धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ मखानों को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये जो मैं यूटेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ ना, ये कैरवे के हैं, सेरामिक वेयर। आपको लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि नॉन स्टिक मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टॉक्सिक रहता है और उसमें स्क्रैच वगैरह का नहीं लगनी चाहिए। तो ये वाले जो पैन्स हैं ना, ये सेरामिक के हैं, नॉन स्टिक के नहीं हैं, तो इसलिए ये इतने ख़राब नहीं रहते हेल्थ के लिए। और इनमें ना मैंने देखा है कि स्टिक भी नहीं करती हैं सब्ज़ियाँ, तो जो सूखी वूखी सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वो काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर आपको इन सेट्स में इंटरेस्ट है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, तो गुड़ के मखाने तो हो गए हैं। गुड़ जैसे हो गया था, उसमें मैंने बस मखाने डाल दिए थे और उनको कोट कर दिया था और जल्दी जल्दी सेपरेट कर दिए थे। यहाँ मैं बना रही थी एक नमकीन, तो इसके लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, मूंगफली ले ली हैं, मखाने ले लिए हैं। इनको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करके, इस पर मैं किशमिश भी ऐड कर दूंगी, और इनको एक बार ड्राई रोस्ट करके और इनको ना मोटा मोटा पीस लेंगे, इससे हम नमकीन बनाएंगे। अच्छा, जितने ये रोस्ट हो रहे हैं उतने के मैं यहाँ पे सब्जी भी अपनी चढ़ा देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ सूखी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, उसमें हींग डाली है, फिर मैंने उसमें जीरा डाला है। इसके बाद ना हम इसमें थोड़ी सी जिंजर ऐड करेंगे और बेसिक मसाले, तो सिर्फ हल्दी पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली। इसमें मैं टमाटर वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग में ये यूज़ करनी है। काफ़ी गर्मी भी है आजकल, हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मुझे चाहिए था कि ये 7-8 घंटे तक सब्ज़ी चल जाए। इसमें हल्की हरी मिर्च डाली है, फिर हम मैंने अपने पोटैटोज़ डाल दिए हैं और थोड़ी देर मैं इसे ढक के पकाऊँगी। उसके बाद फिर मैं पैन खोल दूँगी और फिर खुले में इसे पकाऊँगी, तो ये काफ़ी अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो रोस्ट हो गए हैं और वो ठंडे भी हो गए हैं, तो अब मैं उन्हें मोटा मोटा पीस लूँगी। अच्छा, इसमें मैंने किशमिश को ऐड नहीं किया, किशमिश मैंने अलग ही रखी है, वो बस ऊपर से वैसे ही डाल देंगे। तो यहाँ पे पिस गया है। और लास्ट में ना, इसमें कोई भी हल्दीराम वगैरह की, अगर आपकी थोड़ी बहुत नमकीन भी पड़ी है ना, वो भी आप इसमें मिला सकते हो और ये बहुत ही अच्छी नमकीन बन जाती है। इसमें मैं क्योंकि मैं फीड कर रही हूँ ना, इसलिए मैंने ड्राइड कोकोनट भी ऐड किया है। कोकोनट पाउडर, ये सब ना ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये एक एक्स्ट्रा ऐड किया था अपने लिए नमकीन में। और ये आप ज़रूर ट्राई करके रखना। ये मैंने शुरू में भी पोस्टपार्टम में ये नमकीन ले लेती थी, क्योंकि जनरली लड्डू वगैरह होते हैं, पर कभी कभी आपका कुछ नमकीन खाने का भी मन करता है, तो आप ऐसी नमकीन बना के रख सकते हो। और यहाँ पे आलू मेरे ज़्यादातर हो गए हैं, तो अब मैंने इसमें से थोड़े और मसाले डाल रही हूँ। मैंने डाला है क्यूमिन पाउडर, थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, गरम मसाला और अमचूर। और ये सब्ज़ी ना हार्डली 10 to 15 मिनट्स लेती है, डिपेंड करता है कि आपके आलू कितने अच्छे है, बट ये काफ़ी जल्दी जल्दी बन जाती है और ये अच्छी भी बहुत लगती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैंने और प्रिपरेशंस कर ली हैं, तो बेबी के जितने भी बॉटल्स थे, जितने भी पंप वगैरह के पार्ट्स थे, वो सारे मैंने स्टरलाइज कर लिए हैं, क्योंकि हमें आज उसको सबको लेके जाना होगा। और आफ्टरनून के खाने के लिए जो दाल थी, वो तो मैंने एक बार सुबह ही बॉयल कर ली थी, अब मैं ना नील की अलग निकाल लूँगी, क्योंकि वो प्रेफर करता है खाली बॉयल्ड दाल। और अपना मैं यहाँ पर सिंपल सा दाल का तड़का बना लूँगी, तो घी में लगा रही हूँ
करी हूँ मैं तड़का, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, थोड़ी सौंफ डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गर्मियों में सौंफ डाल लोगे तो अच्छा रहता है डाइजेस्टिव। और यहाँ पे ना मैंने कूट के हरी मिर्च, थोड़ा जिंजर और थोड़ा गार्लिक वो डाला है। अगर तीनों को जिंजर गार्लिक हरी मिर्च एक साथ आप कूट के डालोगे ना तो उसका अलग ही फ्लेवर आएगा। कट करके डालते हैं तो अलग आता है, पर आप ये वाला ट्राई करना, एक साथ इन्हें कूट के डालने वाला। और दाल में बस तड़का लगा देंगे, चावल तो मैंने सुबह ही बना दिए थे तो हम जल्दी से हमारा ही खाना हो जाएगा आफ्टरनून का। और मैंने ना पराठे भी बनाने थे तो मैंने ना कल घी बनाया था, मैंने काफ़ी वीडियोस में आपके साथ शेयर भी किया है कि कैसे मैं घी बनाती हूँ। तो उसका ना ये नीचे जो होती है उसकी छानस बच जाती है वाइट कलर की, तो अगर आपको पराठे जिस दिन बनाने हो ना, अगर आपके पास छानस हो तो वो आप ऐड करके और ल्यूक वार्म वाटर में इस आटे को गूंदोगे ना तो जो पराठे बनते हैं वो अलग ही लेवल के सॉफ्ट होते हैं। तो जिस दिन भी मैं घी बनाती हूँ ना उस छानस को मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ पराठे बनाने के लिए, उससे जो टेक्सचर आता है ना वो वैसे नहीं आता। और अभी ना क्योंकि इतना काम वाम भी मैं कर रही थी तो साथ में कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहना ज़रूरी होता है, तो मेरे पास अभी समर्स में ये बहुत अच्छे अच्छे कोकोनट्स आए हुए हैं। और मैंने ना एक कोकोनट ये ओपन करने वाला एक स्पेशल टूल सा भी ले लिया, मैंने दिखाया था आपको, एक बेंड सा वो नाइफ टाइप है तो उससे इनको कट करना भी बहुत ईजी हो गया है। तो बस अपने को भी मैं ट्राई करती हूँ हाइड्रेटेड रखने में, और बस पराठे भी हम लोगों ने यहाँ बना लिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग 4-5 दिन के लिए जा रहे थे ना तो हमारे जो प्लांट्स थे उनका हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि हमारे छोटे छोटे टमाटर कुकुम्बर सब लगने लग गए थे और इतनी गर्मी थी तो हमें लग रहा था हमारे प्लांट्स कहीं ड्राई ना हो जाएं। तो इसके लिए ना मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ये वाटर सिस्टम मंगवाया था, इससे ना हल्का हल्का सा पानी लगातार पौधों में जाता रहता है तो पौधे आपके बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव था जब हम लोग वापस आए और बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन थे, ये जो पानी है वो आधा हो गया था तो काफ़ी पानी प्लांट्स में चला गया था और प्लांट्स हमारा कोई भी ख़राब नहीं हुआ, सारे प्लांट्स हमारे अच्छे थे। तो ये इसका भी लिंक मैं दे दूंगी अगर आपको इस टाइप में कोई इंटरेस्ट हो तो। और फ्रेंड्स अभी जाने से पहले ना बेबी का भी सारी पैकिंग मैंने एक रात पहले कर ली थी, तो अभी मैं आपके साथ क्लिप शो कर रही हूँ एक रात पहले की जब मैं सारी पैकिंग कर रही थी दिखाने के लिए कि क्या क्या बेबी एसेंशियल्स मैंने कैरी किए हैं। तो वेदर देख के ना सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे रख लिए हैं कुछ वंजीज, ये वंजीज ना मैंने स्लीवलेस रखी हैं कॉटन की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है वीकेंड पे। फिर कुछ ना मैंने ऐसे मुस्लिन क्लॉथ्स रख लिए हैं, तो ये जो मुस्लिन क्लॉथ्स है ना ये हैं 70% बैम्बू और 30% ऑर्गेनिक कॉटन, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये इतने वर्सेटाइल होते हैं ना, अगर आपको फीडिंग करनी हो तब ये यूज़ हो जाते हैं, अगर आपको मान लो कहीं पे बेबी को लिटाना है तो आप बिछा सकते हो, इनफैक्ट इसको टावल के जैसे भी यूज़ कर सकते हो, मसाज करने में भी नीचे डाल सकते हो, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर ट्रैवल पे ना क्योंकि बेबी का डायपर भी बदलना होगा तो डायपर चेंजिंग स्टेशंस वगैरह तो अक्सर जो पब्लिक रेस्ट रूम्स हैं उसमें होते हैं, पर वहाँ पे एक इस टाइप के ना वाटरप्रूफ मैंने ये शीट्स रख ली हैं। और वैसे भी कहीं आप जाते हो तो बेड पे इसको बिछा के और फिर डायपर वगैरह चेंज कर सकते हो, इनके लिंक्स मैं आपको दे दूंगी अगर इस टाइप की चीज़ों में आपको ज़रूरत है तो। एंड देन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो बुखार के लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें रखी हैं क्योंकि ऐसा हो ना वह ट्रिप्स वगैरह पे ना बच्चे बीमार मतलब अगर हुए तो उसका सारा सामान मैं पैक करके लेके जा रही हूँ। एक तो फीवर के लिए ना मैं ये यूज़ करती हूँ, ये ना पट्टियाँ होती हैं जो आप सर पे रख सकते हो, स्टिक हो जाती हैं, तो इनमें ऐसा मटेरियल है जो हमेशा ही ठंडा रहता है और उसको आप चिपका दो अराउंड 8 आवर्स के लिए ये स्टिक हो जाते हैं, तो अगर बच्चा सो भी रहा है तो वो स्टिक ही रहेगी उसके माथे पे और वो मटेरियल कभी भी गर्म नहीं होता। रायन के लिए मैंने रखा है विटामिन डी, ये उसको एवरीडे देना होता है, और कुछ ना उसको कॉलिक ना अगर हुआ स्पेशली ट्रिप्स वगैरह पे बच्चों का कुछ जैसे हम लोगों ने भी इधर उधर खा लिया तो बच्चों को कॉलिक हो सकता है, ये वाले मैं यूज़ करती हूँ बायोगेरा की प्रोबायोटिक ड्रॉप्स होती हैं। और फिर एक डायपर की क्रीम, स्पेशली गर्मियों में ना जब भी डायपर पहनाओ तो अच्छी डायपर की क्रीम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी हर्बल ऑर्गेनिक है और अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ूँ ना तो इसमें वर्जिन ऑलिव ऑयल, फ्रूट ऑयल, बी वैक्स, ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट, मतलब सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मैं शुरू से रायन को ये वाली डायपर क्रीम लगा रही हूँ और उसको अभी तक कोई रैश नहीं हुआ है। नील की हैं
सो नील के ड्रेसेस एंड एक्चुअली ना पहले हम लोगों को लगता था जब नील के साथ जाते थे कि बच्चे के साथ कितना सारा सामान लेना पड़ता, पर अब लग रहा है नील का तो कुछ सामान ही नहीं है बेबी आने के बाद। वो तो वही खाता है जो हम खाते हैं, और कपड़े वगैरह भी बच्चे उसके उतने ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है जैसे बेबी जैसे, ना कोई डाइपर का चक्कर है। तो अब नील का काम बहुत आसान लग रहा है। और दोनों बच्चों को शावर करके मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है, और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे अपनी इस ट्रिप पे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग अपनी किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे थे। बट बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे, क्योंकि मेरा छोटा बेटा सिर्फ 3 मंथ्स का है, और इतने छोटे बेबी को लेके जाना काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और क्योंकि हम रोड से जा रहे थे ना, तो ये कार सीट में था, बट कार सीट में रिकमेंडेड होता है कि हर 2 घंटे में आप 15 मिनट बच्चे को कार सीट से निकाल लो। तो काफ़ी रुक रुक के हम लोग गए, तो एक्स्ट्रा टाइम भी लग गया था। बट खाने का सब कुछ हमारा पैक्ड था, और सारी चीज़ें हम लोग लेके गए थे, तो इसलिए थोड़ा इजी था। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं, एंड एक्चुअली पता हम लोगों के फ्रेंड्स ना ये बोलते थे पहले कि 2 बच्चों के साथ ना डबल काम नहीं होता, 4 टाइम्स काम हो जाता है, और तब हमें लगता था ये ऐसे मजाक करते हैं, पर एक्चुअली बहुत बहुत ही सही है। 2 बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, और काफ़ी टायर्ड भी हो गया हम, पर काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के लिए है, चाय है तो वो अच्छा है। और दोनों बच्चे यहाँ पे हैं। Are you excited for your trip? Yes. और इधर पे है रायन। रायू रायू बाय कर दो सबको। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोगों की फाइनल डेस्टिनेशन थी कनाडा, तो हम लोग बाय रोड न्यूयॉर्क से कनाडा गए थे। हम लोगों की पूरी जो इमिग्रेशन थी वो भी लैंड बॉर्डर के थ्रू ही हुई थी। बहुत ही इजी इमिग्रेशन है, हार्डली हम लोगों को 5 मिनट्स लगे थे। और कनाडा में मेरी सिस्टर रहती है, और उसको भी छोटा सा बेबी है रायू जितना, तो उससे हम लोग मिलने गए थे। और वहाँ पर मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग इतने टाइम बाद मिल रहे थे, और हमारी फैमिली में 2 इतने क्यूट क्यूट बच्चे ऐड हुए थे, तो बस बेबीज़ के साथ और बातें करने में सारा टाइम निकल गया। और बस इसके साथ वीडियो को फिनिश करती हूँ। आई होप वीडियो आज आपको अच्छी लगी होगी, और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नहीं किया है तो, और अपना कमेंट भी छोड़ना, और कोई भी अभी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और आपसे मिलूंगी जल्दी। बाय।